राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला आम बजट जारी हो चुका है। उस बजट को लेकर कई वाहवाही लूटी जा रही है। उसी के साथ में जोधपुर में कार बाजार ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुरानी कारों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और कार बाजार से कोई भी ग्राहक कार लेता है तो उसको अब काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसी को लेकर कार बाजार में काफी रोष है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण प्रजापत है। हमारा रोष यही है कि परिवहन विभाग ने जो इस बजट के अंदर हर गाड़ी के ऊपर जो टैक्स बढ़ाए गए उस टैक्स को कम करने के प्रति हमारा सब ये रोष है और हमारा कोई भी रोष नहीं है। कितना टैक्स बढ़ा दिया गया, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जहाँ पे 25% टैक्स लगता था आज वो 70% टैक्स हो चुका है। जिस गाड़ी का हमको भी 35,000 से 32,000 रुपये टैक्स लगता था उसी गाड़ी का 90 से 95 हज़ार रुपये टैक्स हो गया। जो मार्केट वैल्यू से जब हमारी गाड़ी जो मार्केट वैल्यू में बिक रही थी तो ना तो हमारे से कस्टमर खरीद पाए बन गए और ना ही हम उस गाड़ी को हम बेच पाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास जो स्टॉक पड़ा उसका नुकसान होना आपको लग रहा है? वो तो जाहिर है स्टॉक तो हमारा भारी नुकसान है। हमारे को क्या पूरे राजस्थान को नुकसान है। जितना भी व्यापारी करने के लिए जो गाड़ी वगैरह लेके आया है उस गाड़ी पे 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार कोई भी लेने वाला हमारे को है। जैसे राजस्थान का आदमी राजस्थान में गाड़ी बेचते हैं तो उसमें कितना टैक्स हो गया और दूसरे राज्य से लेकर आएगा उसका कितना टैक्स हो गया? अगर राजस्थान की गाड़ी अगर राजस्थान का बंदा खरीदता है तो उसका 25% टैक्स होता है। तो जिसने 1,00,000 रुपये भरा तो वो 25,000 रुपये में ट्रांसफर करवा लेता है। हमने जो अदर राज्य की जो अंदर अपने अदर राज्य की जो हम गाड़ी ला के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी जो करवाते थे उस गाड़ी पर जो 25,000 रुपये का टैक्स था वो आज करीबन 90,000 रुपये का टैक्स हो चुका है। नहीं तो पहले और अब में कितना फर्क हुआ मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 70% टैक्स बढ़ चुका है। 70% टैक्स बढ़ चुका है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश कुमार है। कैलाश कुमार जी, हमारा तो केंद्र राज्य परिवहन मंत्री प्रेमचंद जी बहरवा साहब है उनसे हमारा हाथ जोड़ करवत निवेदन है कि हमारे को रियायत दी जाए और ये जो टैक्स थोपा गया है हम पे उसे कम किया जाए। यही हम लोग सब संगठन के पदाधिकारी चाहते हैं। हमारा एक समूह जो है जयपुर कार बाजार का वो कल परिवहन मंत्री साहब से मिला था। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो पूरे राजस्थान के जितने भी हम संगठन के पदाधिकारी हैं सब संयुक्त रूप से एक साथ राजस्थान विधानसभा के जा खड़े होकर अपना प्रदर्शन विरोध प्रस्तुत करेंगे। विरोध प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। कितनी अब छूट है, पहले कितनी छूट थी? पहले की छूट में और अभी की छूट में बहुत फर्क है। पहले जो था पहले तो इससे भी कम था हमारा, मतलब देखिए 1 रुपये का 8 पैसा लगता था। फिर ये सरकार ने क्या किया, इसका कर दिया 34 हिस्सा। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो गाड़ी लाते हैं दिल्ली पंजाब हरियाणा से उनकी गाड़ियों में टैक्स जो है करीब 70% 80% से बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा, 80% टैक्स बढ़ने को लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं आप, मुझे बताइए कि जैसे ये कार्य आप लेके आते हैं तो क्या कंडीशन रहती है, आप वहाँ से किस तरह से रेट में लेकर आते हैं और ग्राहक को देते हो तो आपको देने में किस तरह से आती है? समस्या भाई साहब ऐसा है, जो टैक्स हमारा गवर्नमेंट का पहले 25% लगता है अब 70% है। कोई गाड़ी जैसे मान लो पहले 50,000 का अब उसी गाड़ी के 80,000 85,000 90,000 रुपये ट्रांसफर मिलता है। और जो माल हमारा स्टॉक पड़ा था तो हम लोगों ने उस बेस पे लिया भाई कि गवर्नमेंट हमारे को टाइम देगी रियायत देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, हाथों हाथ रातों रात में इस चीज़ को लागू कर दिया। तो इसमें सारा हमारा नुकसान तो ज़्यादा हो रहा है और छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं जैसे मान लो कोई बड़ा है कोई छोटा है लेकिन नुकसान सभी के हैं। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से यही है कि हमारे को इसको कम करके थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि हम उसको कैसे मिले सकते। कुल मिला कि आप अपने स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं उसके बाद ये टैक्स राजस्थान भाई साहब राजस्थान लागू है कहीं और जगह नहीं है, मतलब ये हमारे ऊपर क्यों लिया ये किया गया हमारे देश में? सबसे ज्यादा आया टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स है आगे अदर स्टेट कहीं भी नहीं है, कहीं भी चले आप नहीं है राजस्थान में 25% तो चार्ज लग रहे हैं उसके ऊपर सरचार्ज ग्रीन टैक्स मिला के काफी टैक्स थोपा जा रहा है। उसके अलावा जैसे हमारे पड़ोसी राज्य में देखें तो एक बार गाड़ी के ऊपर टैक्स लेने के बाद में उस पर टैक्स नहीं लगता, उसको 1,000 रुपये में गाड़ी ट्रांसफर हो रही है। ये हमारे साथ में बदसलूकी क्यों, सरकार ये भेदभाव कर रही है हमारे साथ में? वहाँ 1,000 रुपये में गाड़ी ट्रांसफर हो रही है और आप हमसे यहाँ पर छोटी से छोटी गाड़ी 8-10 हज़ार रुपये का टैक्स, अगर स्विफ्ट फैमिली कार में चले जाए उसमें तो 20-25 हज़ार का टैक्स जा रहा है जबकि उसी राज्य में 1,000 रुपये में गाड़ी ट्रांसफर हो रही है, ये टैक्स क्यों है हमारे? नहीं तो वहाँ पे राजस्थान की गाड़ी जाए तो उस पे वेरिएशन बताओ। वो वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हरियाणा की गाड़ी है वो हरियाणा में अगर चला रहे तो वो गाड़ी वहाँ की सरकार उसको 1,000 रुपये में ट्रांसफर कर रही है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मेरी राजस्थान की गाड़ी जिस पर हमने टैक्स दे चुका पहले से हरियाणा से हमारा वैसे भी टैक्स ज़्यादा है, ज़्यादा टैक्स देने के बाद में भी हम उस गाड़ी की वापस से उसको रीसेल करने के बाद में 25% टैक्स के साथ में सरचार्ज और दे रहे हैं। सरचार्ज के बाद में
सरकार उस पर और थोड़ा सा ग्रीन टैक्स मिर्ची पुदीना लगा के इस पर आरसी फीस और छोटे मोटे टैक्सेस लगा के और टैक्स बढ़ा दिए तो ये टैक्स चले जाए 25% कहने की बात है वो 30% के बाहर ही जा रहा है। आप भी कार बाजार चलाते हो मुझे कितना स्टॉक है और आप क्या करोगे? जोधपुर में सभी कार बाजारों के पास कम से कम 15 से 20 गाड़ी का स्टॉक है और सबको बहुत भारी नुकसान हो रहा है ये टैक्स बढ़ोतरी के कारण। सबको कम से कम हर गाड़ी पे 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है। जो वो उम्मीद लेके आए थे हम इस गाड़ी को बेच के 20,000 रुपये कमाएंगे, मुनाफा तो गया नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और ये राजस्थान सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है हम इसका पूरा भरपूर विरोध करते हैं और आने वाले टाइम में हम जयपुर में आक्रोश रैली निकालेंगे। युवाओं को कैसे नुकसान? ये कह रहा हूँ युवाओं का नुकसान ऐसे है कि आज जो नए एंटरप्रेन्योर है ना, नए नए लड़के जो अपना धंधा करना खुद का चाहते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे राज्य से एक दो गाड़ी लाते हैं फिर वो गाड़ी यहाँ पे बेचने की कोशिश करते हैं। तो 4 लाख की गाड़ी वो यहाँ लाया, उसका मार्केट यहाँ पे 4.5 का है तो वो 4.5 की बेचेगा। अब क्या किया सरकार ने, जो पहले जो 20,000 में गाड़ियाँ ट्रांसफर हो जाती थी उसके कर दिए सीधे 90,000 रुपये। अब वो 90,000 प्लस करके वो 4 लाख गाड़ी को 4,90,000 कैसे बेचेगा? तो युवाओं को बेरोजगार करने का नया तरीका और सरकार टैक्स क्यों ले रही है समझ में आता है कि पैसा हर किसी को प्यारा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई हो, लेकिन इस तरह से मतलब ये लूटमार का तरीका जो बनाया है ना ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कमाई नहीं करेगा अपना घर नहीं चला पाएगा और उसको फिर ये आटा दाल दे के सरकार जो सांत्वना देती है कह रही है कि युवाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं रोजगार दे रहे हैं और गला काट रहे हैं टैक्स के रूप में 1,000 रुपये में। इन भाई साहब ने बोला कि हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में गाड़ी ट्रांसफर होती है और राजस्थान में वही गाड़ी 25 से 50,000 रुपये स्कॉर्पियो गाड़ी या कोई भी गाड़ी को ले लो 50,000 रुपये टैक्स लेते हैं और नई गाड़ी जब देते हैं तब भी 2.5 लाख रुपये लेते हैं और दोबारा कोई गाड़ी बेचता है तब भी 50,000 लेते हैं और तिबारा चौबारा 5 बार जब जब गाड़ी बिकती है तब तक इन सरकार को जिसको लुटेरी सरकार कह सकते हैं इसके पास 5 लाख फोकट के इसके पास यूँ चले जाते हैं। अब बताओ ये गलत है सही? ये तो इतने सालों से कार बाजार का काम कर रहे हैं कभी हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी, जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से माल ला के राजस्थान में रेवेन्यू दे रहे हैं। मतलब हमारे वजह से गवर्नमेंट में इतने रेवेन्यू जा रही है उसका आर्थिक नुकसान किसको होगा? राजस्थान सरकार को होगा ना। आज हम यहाँ पे मान लो टैक्स बढ़ता है तो ग्राहक के ऊपर भी भार है और हमारे ऊपर भी भार है, उसकी बचत हमारे को क्या हुई? हमारे को तो घर से और डालने पड़ेंगे। ये जिस तरह से अभी मुझे यहाँ पे युवा ने बताया कि 1,000 रुपये हरियाणा में ट्रांसफर हो जाती थी पहले यहाँ पे भी नहीं होती थी, अब यहाँ पे टैक्स बढ़ गया। हाँ। आपने पहले कभी आवाज़ नहीं उठाई ऐसा क्यों कहा? ये अभी हुआ है ना सर एकदम ही, इससे पहले भी नहीं। इससे पहले तो 1,000 रुपये में ट्रांसफर होती थी? 1,000 में नहीं होती, 1,000 रुपये तो कभी राजस्थान में कभी नहीं हुई सर, आज तक नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय में तो हमेशा है। मेरा तो एक ही कहना है जो हिंदुस्तान में कानून लागू है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे हरियाणा है गुजरात है महाराष्ट्र है जो वहाँ पे नियम चल रहे हैं वो राजस्थान में भी नियम किए जाए जो सबको समानता का अधिकार दे क्योंकि हिंदुस्तान एक है इस हिसाब से। जोधपुर से करणपुरी एबीपी न्यूज़। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।